दोस्तों रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को भारत में लॉन्च करने वाली है और आज इस वीडियो में हम आपको सुपर मीटियोर 650 के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। रॉयल एनफील्ड 8 नवंबर को अपनी नई क्रूजर बाइक सुपर मीटियोर 650 को भारत में लॉन्च करेगी। इस बाइक को इटली में चल रहे EICMA मोटरसाइकिल शो में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले कंपनी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर इस बाइक का टीजर जारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इस बाइक का एक नया टीजर जारी किया है जिसमें बाइक की पिछले हिस्से को दिखाई गए हैं। टीजर में देखा जा सकता है कि इस बाइक में मीटियोर 350 के जैसा ही टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर लगाए गए हैं। हालांकि कंपनी ने अपनी 650cc की सभी अन्य बाइक्स की तरह इसमें दो साइलेंसर लगाए गए हैं। बाइक में दिए गए रेट्स हैंडल बार और गोलाकार रियर व्यू मिरर को भी देखा जा सकता है जिसका डिजाइन मीटियोर 350 के समान ही है। बाइक में दिए गए सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए दिए गए सोते स्क्रीन को भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मीटियोर उसी 650 प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है जिसका इस्तेमाल अभी कॉन्टिनेंटल GD650 और इंटरसेप्टर 650 के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसकी इंजन और ट्रांसमिशन में ज्यादा बदलाव या किसी बड़े अपडेट किए जाने की उम्मीद कम है। बता दें कि सुपर मीटियोर 650 को कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर के ऊपर रखा जाएगा। कंपनी अभी में अपनी 650cc बाइक लाइनअप में 648cc इनलाइन ट्विन सिलेंडर एयर कूल इंजन इस्तेमाल कर रही है जो कि अधिकतम 47 bhp की मैक्सिमम पावर और 52 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। सुपर मीटियोर 650 का पावर फिगर भी कुछ इसी तरह हो सकता है। सुपर मीटियोर 650 में स्लीपर क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप दिया जा सकता है। इस बाइक में मीटियोर 350 की तरह ही आगे की तरह सेट किए गए फुटरेस्ट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नेविगेशन डिस्प्ले, गोलाकार रियर व्यू मिरर, स्प्लिट ग्रैब रेल और एक आरामदायक क्रूजर सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको सुपर मीटियोर 650 कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ